15 अगस्त को जहां पूरे देश भर में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, तो वहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी आज़ादी का दिन सही महीने में 15 अगस्त को ही होगा ड्राई स्पेल से। बॉलीवुड की कितने फिल्में आई और चली गई, लेकिन ड्राई स्पेल जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस साल तो एक बार फिर से डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेकर्स, प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा चूना लग गया है, लेकिन 15 अगस्त जो है वो ये पूरा ड्राई स्पेल ख़त्म कर देगा। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है स्त्री 2 को। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। मेजर बॉलीवुड फिल्में रिलीज हो रही हैं 15 अगस्त के दिन। वैसे 15 अगस्त के दिन बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडस्ट्री का भी क्लैश होने वाला है, क्योंकि एक नहीं दो दो फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इसमें एक है डबल आई स्मार्ट, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा हाइप देखी जा रही है, लेकिन इस क्लैश में फिलहाल साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड की तीन मेजर मूवीज़, यानी कि स्त्री 2, खेल खेल में और वेदा। ये तीन मूवीज 15 अगस्त को रिलीज हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि क्या अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में और जॉन अब्राहिम की फिल्म वेदा ने गलती कर दी जो स्त्री 2 से टकरा रही है? तो इसका जवाब है भैया बिल्कुल हाँ, क्योंकि स्त्री 2 की दीवानगी बहुत ही ज़्यादा देखी जा रही है, बहुत इनसेन क्रेज देखा जा रहा है। इसका रीज़न जानते हो आप क्यों? क्योंकि स्त्री 2 एक सीक्वल है स्त्री का 2018 में, जिसका एंड इस तरह से छोड़ा गया था, एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया था जिसके वजह से इसको एक हाइप मिली है। आपको याद होगा कि 2015 में फिल्म आई थी बाहुबली, उसमें बाहुबली को कटप्पा मार देता है, और 2015 की फिल्म को जो हाइप मिला उसका फ़ायदा हो गया 2017 में आई बाहुबली 2 को। इसी वजह से जो है सीक्वल मूवीज़ बहुत चलती हैं, और यही फ़ायदा मिल रहा है स्त्री 2 को भी। लेकिन अब यहाँ पर गलती क्या हो गई है, इसके सामने वेदा और खेल खेल में आ गए हैं। अब भले ही ये अच्छी फिल्में हो, लेकिन ये जो हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आगे फीकी पड़ती नजर आएंगी। स्त्री 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो डे 1 ये फिल्म 40 से 50 करोड़ कमा सकती है। वहीं इसकी एडवांस बुकिंग की बात करें तो ये 14 तारीख तक 10 करोड़ एडवांस बुकिंग से ही कमाएगी। अभी तक 13 अगस्त तक की बात करें तो फिल्म ने 225,000 टिकटें बेच दी हैं। वहीं वेदा और खेल खेल में इतना पीछे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। खेल खेल की कुछ ही हज़ार टिकटें बिकी हैं, वहीं वेदा की बात करें तो इसका सिर्फ ऑलमोस्ट रफ डेटा है 10,000 से 12,000 टिकट्स ही बिकी है। यानी कि एक तरफा ये कॉन्टेस्ट होने वाला है, और ये अक्षय कुमार के लिए भी आई ओपनिंग हो सकता है कि हर बार क्लैश करना ज़रूरी नहीं होता है, ईगो को लाना अच्छी बात नहीं होती है। खेल खेल में वो मूवी थी जो अक्षय कुमार को कमबैक करा सकती थी अगर ये थोड़ी सी पोस्टपोन हो जाती। 31 अगस्त बहुत अच्छी डेट थी जहां पर अक्षय कुमार इस मूवी को ला सकते थे, बट 15 अगस्त के दिन लाना, वो भी एक ऐसे फिल्म को जो कि रीमेक है और शायद इसे कई लोग देख भी चुके होंगे, ये बहुत बड़ी गलती है। वेदा की बात कर ले तो जॉन अब्राहिम का भी इस वक्त करियर डगमगाता नज़र आया है। पठान के अलावा कोई भी उनकी फिल्म हिट नहीं हुई है, ऐसे में उनके लिए भी ये क्लैश बहुत ही ख़राब डिसीजन होने वाला है उनके करियर का। स्त्री 2 की बात करें तो भाई इनसेन क्रेज़ देखा जा रहा है। स्त्री 2 इज़ ऑन फायर, और ये पूरा हफ्ता जो है ना स्त्री ही स्त्री होने वाला है। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। तो आप भी बताइए इन तीनों बॉलीवुड फिल्मों में आप कौन सी देखना चाहेंगे, या फिर साउथ की मूवीज़ आप देखेंगे? तो कमेंट करके बताइए कि इस मेगा क्लैश में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, और थिएटर में किसे देखेंगे, स्त्री 2 को, खेल खेल में, या फिर वेदा को? बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।